मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। कल हमने शब्द अर्थ लिखे थे सी डब्ल्यू कॉपी में, आज फिर से सी डब्ल्यू कॉपी निकाल लीजिए और डेट डालिए आज की 2/10/20 और हेडिंग डालिए सही उत्तर। सही उत्तर लिख के उस पर सही का निशान लगाना है। वन लाइन लीव करके लिख लिए, लिखिए। सिख धर्म का सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है? लिखिए, सिख धर्म का सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है? वन लाइन लिख करके उत्तर लिखिए। स्वर्ण मंदिर, आधा सा व अणार अणा पर आखिर स्वर्ण, माँ में उनकी हिंदी मन दामे छोटी की मात्रा दीर स्वर्ण मंदिर, इस पर सही का निशान लगाइए। लिख लिया, फिर वन लाइन लिख करके खा नंबर डालिए। सिख संप्रदाय के प्रसिद्ध अकाल तख्त कौन कितने हैं? मतलब सिख धर्म के अकाल तख्त मतलब बड़े बड़े जो गुरुद्वारे कितने हैं, वो चार। लिखिए चार, चाम्या की मात्रा और चार और सही का निशान लगाइए। लिख लिया, अब वन लाइन लीव करके लिखिए। गा जलिया वाला बाग नरसंहार कब हुआ? जलिया वाला बाग कांड के बारे में आपने सुना होगा, वो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। लिखिए 13 अप्रैल 1919 और सही का निशान लगाइए। अब नेक्स्ट लिखिए, सरोवर की सीढ़ियों का निर्माण किससे हुआ है? जो अमृतसर में तालाब है उसमें सीढ़ियाँ जो किस चीज़ की बनी हुई हैं? तो उत्तर लिखिए सफ़ेद संगमरमर से, सफ़ेद संगमरमर से। नेक्स्ट पेज पर हेडिंग डालिए, वाक्य को पूरा कीजिए। तो शब्द दिए हमें अकाल तख्त, जलियांवाला बाग, सरोवर और गुरु रामदास। इन शब्दों से वाक्यों को पूरा करना है। तो का वाला क्या दिया है? श्री हरि मंदिर साहिब। श्री हरि मंदिर साहिब के सरोवर का निर्माण ने आरंभ किया था। किसने बनाना शुरू किया था सरोवर? गुरु रामदास। या गुरु रामदास पे अंडरलाइन करेंगे। लिख लिया, अब नंबर खा लिखिए। सिख समुदाय के चार अकाल तख्त प्रसिद्ध हैं, तो अकाल तख्त पे अंडरलाइन करिए। गा अमृतसर के जलियांवाला बाग में शहीदों के स्मारक बना है। अमृतसर के जलियांवाला बाग में स्मारक बना है, तो जलियांवाला बाग पर अंडरलाइन करेंगे। दरबार साहिब सरोवर के बीच में है, तो सरोवर को अंडरलाइन करेंगे। अब इसके आगे का हम कल करेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।